दावारा टूट न्यूज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे मेरठ के जनपद मेरठ के ग्राम बेटा में तहसील सरदना में आए हुए हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमन ठाकुर जी आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा हुआ है और इसमें किसानों की समस्या को लेकर और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ सभी किसान एकत्र हुए हैं और उनकी समस्त टीम आई हुई है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। वादे किए डेवलपमेंट के, विकास के, युवाओं के, रोजगार के, लेकिन उन सारी लड़ाइयों को हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाला समय संघर्ष का है, क्योंकि हम लोग उन नेताओं को चुनते हैं जिन नेताओं ने हमेशा केवल चुनावों के समय हमको समझाने का प्रयास किया, हमको छलने का प्रयास किया। और अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हम लोगों को विकास के मुद्दों पर बात करनी है, हम लोगों को अपने नौजवानों को बेहतर तरीके से रोजगार की व्यवस्था करनी है, तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर का नारा जरूर दिया था, लेकिन उस आत्मनिर्भर के नारे को हम किसानों को अमल में लाना है और हम किसानों को आत्मनिर्भर बनना है। और उस आत्मनिर्भर की कड़ी में एक मजबूत परिवार की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है और वो मजबूत परिवार भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, जो पूरी ईमानदारी के साथ और इन 3 वर्षों में जिसने किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरठ के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, लोगों को लगा कि ये जनसैलाब जो जा रहा है ये किसानों की उस इबारत को लिखेगा, आने वाला किसानों का समय बहुत पीड़ादायक रहेगा, ये आप लोग तय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चुनावी माहौल में रहने वाले लोग, ये चुनावी नुमाइंदे, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये केवल हम लोगों को चुनावों के समय याद करता है। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, मैं किसी पार्टी की तहरीर को आपके सामने उजागर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चुनाव में जीतने वाले लोग कभी हमारे काम नहीं आएंगे। वोट डालने का अधिकार हम सबको होता है, एक ऐसा माहौल हमको क्रिएट करना है जो इन शासन प्रशासन में बैठे लोगों को लगे, मेरठ के डीएम को लगे, एसडीएम को लगे, कि अगर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के किसी भी सदस्य को छेड़ा और उनकी बात को नहीं सुना तो आप लोगों को आपके ऑफिसों में बंद करने का ही लोग काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी कुछ बहुत थोड़ी सी संख्या में हम लोग यहाँ आए, आपका संगठन इस देश के 11 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में काम करता है, एक बहुत मजबूत लॉबी हमारे अंदर है, तो मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ, जो सम्मान की माला आप लोगों ने मेरे गले में डाली, इस माला का मोल अगर हम लोग महसूस करें, बहुत सारी आशा। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ तहसील सरधना में ग्राम बीटा में आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति संगठन द्वारा रोड शो करते हुए ग्राम बीटा में पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। वहीं मेरठ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुर्जर को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश की टीम में उपस्थित जितेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिन पहलवान जी, प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा कपिल गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष सात छात्र सभा संदीप यादव व पोविंदर वर्मा, द भारत टुडे न्यूज के संपादक उपेंद्र सिंह तोमर व समस्त टीम मौजूद रही। वह हापुड़ से जिला अध्यक्ष हरविंदर सिंह, जिला उपाध्यक्ष अमरिक सिंह, जिला संगठन मंत्री अमरनाथ शर्मा, जिला कार्यालय प्रमुख करण चौहान, जिला महासचिव छात्र सभा अभिषेक कुमार, जिला प्रचार मंत्री मोहित ठाकुर, जिला सचिव दीपक कुमार व उनकी समस्त टीम मौजूद रही। जनपद में आए हैं, आपकी समस्त टीम आई है, आपका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, आज मेरठ जिले के इस बीटा गांव में
यहाँ एक रोड शो का आयोजन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने किसान पंचायत की और उस पंचायत में उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा उन नौजवानों को जोड़ें, किसानों को जोड़ें जो अपनी समस्याओं को लेके कहीं ना कहीं जूझने का काम करते हैं। अभी चुनाव गए हैं, लोकसभा चुनाव बीते हैं, हम लोगों ने बहुत आशा और उम्मीदों के साथ अपने वोट का प्रयोग किया, लेकिन जब जब किसानों ने अपने वोट का प्रयोग किया, किसानों को कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर, उनकी आशाओं पर इन लोगों ने पानी फेरने का काम किया। इन चुनावी नुमाइंदों ने हमेशा किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों को छलने का काम किया। आज का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर हम अपने संगठन का विस्तार करें, उन लोगों को जोड़ें जो लोग किसानों की, मजदूर, युवाओं, नौजवानों की आवाज़ बनना चाहते हैं, और उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ संगठन विस्तार किया है। और मेरठ के जिलाध्यक्ष भाई अशोक जी यहाँ पर हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हैं, ये उनका गांव है, तो बहुत सारे लोगों ने संगठन में सदस्यता ग्रहण की है और आगे भी हम मेरठ में एक मजबूत संगठन भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति को खड़ा करने का काम करें।